हेलो दोस्तों, रिंकी देवी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं रिंकी लेकर आई हूँ आरओ एआरओ का क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। चंदेरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंदेरी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय सी। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1861 में किसके न्यायकृत में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ? देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका ए भी हो सकता है, मनमोहन सिंह वैसे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अप्रैल 1930 की चित्तागोंग हथियारखाने की लूट की योजना किसके द्वारा बनाई गई, किसने बनाई? तो सूरसेन। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न में से कौन सा चुनाव मतदान करने वाले मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है? तो इसका ए बी होगा। और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और क्वेश्चन नंबर सेवन है, फरवरी 2020 में लखनऊ में 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। और क्वेश्चन नंबर एट है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित है? तो ये ऑटो रिक्शा, इसका सी था। और क्वेश्चन नंबर नाइन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन नंबर टेन है था कि इसमें टाइगर ये पार्क पूछा गया था, रिजर्व पार्क। तो ये इसमें था कि पालामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है, बी। और इलेवंथ का है, चिल्का लेक सभी को पता होगा, लेगुन उड़ीसा में है। चिल्का झील लेगुन झील का एक उदाहरण है। और अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी थे इसमें, तो इसका इसका सी था। इसमें ऐसे ये आकृति वाले प्रश्न थे, इसमें ये वाले और डिफरेंस वाले, इसमें भिन्न विकल्प बताना था कि तोता बतख गिद्ध चिड़िया में अलग क्या है, तो इसका चिड़िया था। और ये रीजनिंग के कुछ सवाल थे, ऐसे ही चार पांच सवाल ही रीजनिंग के देखने को मिलते हैं, वो भी दो तीन आप दे सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पांच कार्बन वाली सकरा का उदाहरण है? तो ये इस ये था एक, और ये मैंने ये शायद इसमें टिक, ये मुझे अभी डाउट है तो मुझे नहीं पता, सॉरी। और किसी बन की ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, और गंधा का परमाणु भार 32 सभी को पता होगा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्वेश्चन था एक 19। बाकी डेविसन व जर्मर प्रयोगिक पुष्टि प्रदान करता है, तो इसका था डी ब्रोकली संकल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है? ये आप देख सकते हो, इसमें इसका बी है मे बी। ये है परावर्तन व विपरीतन के गुण प्रदर्शित करता है, गलत भी हो सकता है ये वाला, तो आप देख लेना। दो मेरा मेन मोटिव ये है कि जो एग्ज़ाम आरओ एआरओ के यूपी एसएससी में होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में होते रहते हैं, तो उसके लिए हेल्प मिल सके इसके थ्रू। आप देख सको कि आप मतलब ऐसे लगता है कि बहुत हार्ड आएगा क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये बहुत इजी था। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ईजी हो, कभी हार्ड होता है कभी ईजी होता है, लेकिन आप एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव क्वेश्चन पेपर दिखाने का था, तो आप देख सो और हेल्प मिले। अगर इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को,
और शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो इसका सी था, एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल। 22 क्वेश्चन नंबर, सातवा विश्व शहर शिखर सम्मेलन WCS 5 से 9 जुलाई 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? सिंगापुर। यदि किसी कूट भाषा में इसे ये कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? ये वो वाले थे, रीजनिंग के मिक्स हो थे कुछ सवाल, कुछ वहाँ पे भी हमने देखे और यहाँ पे भी हैं। ये है कि अगर इसे ऐसे लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाएगा, आप देख सकते हो। ये प्रतिबिंब वाला था, जल प्रतिबिंब, तो इसका सी होगा। इसमें ये था कि स्पोर्ट्स को फिर मैच को कैसे लिखा जाएगा, आप देख सकते हो। और 26 है, निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? मूंगफली, क्योंकि मूंगफली नहीं है। और निम्नलिखित देशों में किसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है? पता होगा सभी को, स्विट्जरलैंड। 28 क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की वर्ष 2000 में स्थापना की गई। 29 का है, भारत का राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 30 का है कि किस वर्ष प्लूटो को बोना ग्रह डपार्ट प्लेटनेट घोषित किया गया था? डपार्ट 2006 इसका आंसर है, सी। और 31 का, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उत्तर जो कजरी महोत्सव होता है, जो ये बहुत बड़े लेवल पे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में बहुत बड़े लेवल पे मनाया जाता है ये। 32, निम्नलिखित में कौन सा नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप है? तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से भी इस क्वेश्चन था इसमें, हेलिना। पेरू की राजधानी पूछी थी। 33 क्वेश्चन में, लीमा, ये मैं भूल रही, मतलब भूल जाती हूँ कि ये 34 है, 32 तो कोई नहीं। 34 क्वेश्चन नंबर है, लानक ला दर्रा भारत के में कहाँ है? तो ये लद्दाख। और ब्लैक फॉरेस्ट किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, पता नहीं ऐसे मतलब होता है, हमें लगता है कि बहुत कठिन है लेकिन इजी होता है। तो 1999 बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे बिल्कुल। अशोक के क्वेश्चन नंबर 37 है कि अशोक की अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो ये ब्राह्मी। 38 का है कि भारत में निम्न में से प्रथम सहायक संधि का हस्ताक्षर करने वाला कौन सा था? हैदराबाद, सी। पंडित रमाबाई बंगाल की महान सॉरी पंडित रमाबाई संस्कृति की महान विदुषी थी। और 40 क्वेश्चन नंबर 40 का कि बजट तैयार करने की जिम्मेदारी है आर्थिक मामलों के विभाग की। और 41 का है कि 2020 में फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज किस के लिए दिए गए? तो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2020 किसने प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया? तो ये सी, सुरेश कुमार को। 43 का है, ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला निम्नलिखित में कौन सा पहला राज्य है? उत्तराखंड। 44 का था कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 44 का था कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कहाँ होगा? तो कतर में है इसका, इसका सी। और 45 का, लक्षद्वीप व मिनिका द्वीपों को अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल।
और 46 का विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिजनौर से होकर गुजरती है? तो गंगा। निम्नलिखित स्मारकों में कौन सा राजस्थान में स्थित है? इसका सी नाहरगढ़। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में स्थित है। 50 का मुखर्थी शिखर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और अब हिंदी थे, हिंदी के 50 क्वेश्चन थे और जीके के 50 क्वेश्चन थे। तो हिंदी का था कि इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया था। तो निम्नलिखित में किस वाक्य में कौन सा शुद्ध है? तो इसमें आप देख सकते हो कि उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, अध्यापक ने छात्रगणों की इच्छा को समझाया, यह किसके हस्ताक्षर है? तो सी इसका होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पूछे गए थे, आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसमें दो शुद्ध वाक्य थे, फिर दो अशुद्ध वाक्य थे, मतलब चार पांच, मतलब पांच क्वेश्चन ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य ही पूछे गए थे। चार चार पांच नहीं, आप देख सकते हो काफी है। यहाँ पे ये शुद्ध वाक्य है, फिर उसके बाद ये वाक्य काल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये कौन से काल का वाक्य है, कि जैसे आज हम चाय नहीं पिए, हम खाना खा लिए, आज मैं और सी था कि हमें दिल्ली जाना है, मैं आज नाश्ता नहीं किया, तो कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? तो हमें दिल्ली जाना है। फिर कारक से जो कारक से प्रश्न पूछे गए थे, ये विलोम शब्द पूछे गए थे, विलोम शब्द भी काफी अच्छे पूछे गए थे। आजादी का विलोम क्या हुआ? गुलामी। और ऐसे ही नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम, नवीन, आप देख सकते हो विलोम शब्द चार पांच से ज्यादा ही हो रहे हैं विलोम शब्द। फिर वाक्यांश, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मित्र का है? देख सकते हो इसका हिंदी वो वैसे ही कि उस सबको तो आप देख लेना, और मैं बहुत आराम से आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसी तरह 79 का था कि गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, तो गंगोत्री। ऐसे ही जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति, क्योंकि लोगों होती हैं, कहावतें होती हैं, अनुमोदन, किसी का अनुमोदन करना, पांडुलिपि जो लिखी होती है अलग। तो ऐसे ही ये आप देख सकते हो पर्यायवाची पूछे गए थे, चंद्रमा का पूछा गया था, तो मृगांग होगा चंद्रमा का। बिजली का पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ये हमें जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, फिर आंसर इजीली मिल जाते हैं। इसमें नहीं है पूछा गया था, अगर जिन्होंने ऐसा पूरा नहीं पढ़ा और बिजली पढ़ा तो वो तड़ित चपला लगा देंगे। और ये है 84, फिर माँ का पूछा गया था पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची, अग्नि का, विद्वान, पंडित का क्या होगा? तो विद्वान। कोयल का सही पूछा गया था पिक। फिर तत्सम, मतलब पहले क्या हो, शुद्ध आय, अशुद्ध वाक, काल, कारक, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और अगर आप हिंदी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हो, हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। हिरण का तत्सम, हरिकेण, क्षार का तद्भव पूछा गया था, तो खार। तत्सम क्या होगा इन सब में? तो आग, फूल, चौर, नहीं सर, जो तो ये आमरी होगा इसका। ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये मतलब ज़्यादा सिलेबस भी सिलेबस में तो था बहुत चीज़ें, लेकिन बहुत क्या आया, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, कारक आय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और वाक्यांश से संबंधित क्वेश्चन,
तो बहुत इजी पेपर था, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर और